सिंगरौली जिले में पहचान छुपाकर ठेकेदारी एवं जीपी पैलेस के नाम से होटल व्यवसाय का संचालन कर रहे हत्या एवं अपहरण के शातिर अपराधी चंद्र मोहन को कोलकाता क्राइम ब्रांच की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने कोलकाता क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पंड्या ने बताया कि हत्या एवं अपहरण का मास्टरमाइंड शातिर अपराधी जो कि अपनी पहचान बदलकर सिंगरौली जिले में रह रहा था। अपराध के जगत में चंदन सुनार के नाम से वह जाना जाता था। उक्त चंदन कुमार उर्फ चंदन सुनार उर्फ चंद्रमोहन पिता श्याम नाथ गुप्ता निवासी हलगनियारी थाना जिला सिंगरौली को पश्चिम बंगाल क्राइम पुलिस की सूचना पर उसके घर गनियारी से गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल क्राइम ब्रांच को उक्त अपराधी की तलाश थाना सालनपुर जिला पश्चिम बर्दवान के प्रकरण क्रमांक 51/19/365/364/364A आईपीसी में थी। थाना लाकर उक्त अपराधी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अपराधी चंदन सुनार बिहार के हाजीपुर जिले का मूल निवासी है जो कि 2002-2003 में हाजीपुर में रहकर पढ़ाई करता था। तब से अपराध की दुनिया में वो आ गया तथा इसके बाद उसने हत्या एवं अपहरण के कई अपराध किए। अपराधी 2006 से 2011 तक रांची हाजीपुर एवं पटना स्थित बेउर जेल में तकरीबन 6 वर्ष तक बंद रहा। जेल से छूटने के बाद अपराधी चंदन सुनार अपनी पहचान छिपाने और काम की तलाश में ठेकेदारी करने के लिए सिंगरौली आ गया तथा सिंगरौली में छोटी मोटी ठेकेदारी करने लगा एवं जीपी पैलेस होटल का संचालन भी साथ में करने लगा तथा गिनियारी में मकान लेकर रहने लगा। अपराधी का गिरोह चंदन सुनार अपहरणकर्ता गिरोह के नाम से बिहार में जाना जाता है। अपराधी द्वारा पूछताछ में वर्ष 2011 में किसी भी अपराध में संलिप्त न होना बताया जा रहा है, किंतु उक्त अपराधी की भूमिका वर्ष 2019 में पीएस सालनपुर जिला स्थित पश्चिम बर्दनावर में पंजीबद्ध उक्त अपराध में पाई गई थी। उक्त प्रकरण में अभी तक बंगाल पुलिस द्वारा 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कोलकाता क्राइम ब्रांच की टीम सिंगरौली में आई हुई थी और उसने सिंगरौली पुलिस से एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने के संबंध में सहायता मांगी थी, जिस पर बैढ़न की 10 सदस्यीय टीम और कोलकाता पुलिस की 3 लोगों की टीम ने रात्रि में दबिश दिया था। गनियारी उस अपराधी का निवास था। उस अपराधी का नाम चंदन कुमार उर्फ चंदन सुनार उर्फ चंद्रमोहन है, जो कि मूलतः हाजीपुर बिहार का रहने वाला है और ये अपहरण फिरौती और हत्या के कई अपराध घटित कर चुका है और वर्तमान में थाना सालनपुर पश्चिम बर्धमान जिला जो वेस्ट बंगाल का है वहाँ के प्रकरण में वांछित था। फिरौती का प्रकरण है, उसी के प्रकरण में जो है तो कोलकाता पुलिस को सिंगरौली पुलिस ने सहायता उपलब्ध करा करके उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।